हैदराबाद के कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो अस्पताल में भर्ती व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए बनाया, बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वीडियो उसकी मौत से कुछ देर पहले का है। इसमें वो तेलुगु भाषा में कहता है कि डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर हटा दिया है, इस वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। फिर वो अपने पिता को अलविदा कहते हुए सुनाई देता है। वीडियो 26 जून की रात का बताया जाता है, लेकिन 28 जून से ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस मामले में ये भी सामने आया है कि युवक की कोरोना रिपोर्ट लेट आई। ऐसे में मौत होने के बाद युवक का शव परिवार को दे दिया गया। अब परिवार के बाकी लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। वीडियो में ये आदमी कहता है कि उन्होंने मुझे वेंटिलेटर से हटा दिया है। पिछले 3 घंटे से मैं उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट देने को कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मेरी धड़कन रुक गई है, बस फेफड़े चल रहे हैं। मुझे सांस नहीं आ रही। डैडी बाय डैडी, सबको बाय बाय डैडी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो बनाए जाने के करीब 1 घंटे बाद उस युवक की मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद चिकित्सा सुविधाओं और अस्पताल कर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं। युवक के पिता का कहना है कि 24 जून को उनके बेटे को तेज बुखार आया। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि वो बेटे को लेकर अस्पताल गए, लेकिन कम से कम 10 प्राइवेट अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। फिर सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। 26 जून को उसकी मौत की जानकारी मिली, अस्पताल ने उन्हें शव दे दिया। 27 जून को उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया। युवक के परिवार ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद एक प्राइवेट अस्पताल ने फोन करके बताया कि उनके बेटे को कोरोना था। उन्हें काफी देरी से कोरोना की जांच की रिपोर्ट मिली। सरकारी अस्पताल ने भी बिना जांच और बिना सावधानी के उन्हें शव दे दिया। इस वजह से घर के 6 और सदस्यों को कोरोना होने की आशंका है। इनमें युवक के माता पिता, पत्नी, भाई और भाभी शामिल हैं। युवक के पिता ने एनडीटीवी से कहा कि हम सब उसके संपर्क में आए थे, लेकिन किसी ने हमारा टेस्ट नहीं किया। मेरी एक 12 साल की पोती है और 9 साल का पोता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता नहीं रहे हैं। मैं अब क्या करूंगा? उन्होंने आगे बताया कि बेटे का वीडियो उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद देखा था। उनका बेटा मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जो कुछ उनके बेटे के साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो। वो पूछते हैं कि उनके बेटे को ऑक्सीजन क्यों नहीं दी गई? क्या किसी और को ऑक्सीजन चाहिए थी जो उसकी ऑक्सीजन हटाई गई? वहीं अस्पताल ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन हटाए जाने के आरोपों का खंडन किया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट महबूब खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि युवक काफी गंभीर स्थिति में था, इस वजह से उसे ऑक्सीजन सप्लाई का ध्यान नहीं रहा। युवक को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा था। युवक की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई है और अस्पताल कर्मियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। खान का कहना है कि कोरोना संक्रमित युवाओं में एक नए तरह का ट्रेंड दिख रहा है। इसके तहत उन्हें ऑक्सीजन दिए जाने पर भी उन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं लगती, बाद में अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जा रही है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दिलालन टॉप। शुक्रिया।